हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। और जैसे कि आप सब जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं कि मैं MCX कॉमोडिटी में क्रूड ऑयल और कॉपर में पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं और पोजिशनल ट्रेडिंग करवाता भी हूं। ठीक है, तो जैसे कि ये फरवरी मंथ ख़त्म हो गया जो 28 दिन का था कल, और आज मार्च का महीना शुरू हो गया है। तो मेरा ये रूल है कि मैं हर महीने की परफॉर्मेंस दिखाऊँ कि जो भी महीना ख़त्म हुआ है उस महीने में कितने ट्रेड्स आए, कौन से कमोडिटी में ट्रेड्स आए, कितने पॉइंट्स लिए हैं, कितने पॉइंट्स लॉस में लिए हैं, और ओवरऑल कैपिटल का कितना परसेंट प्रॉफिट निकला, वो सब चीज़ मुझे दिखाने होते हैं। तो फरवरी का महीना जो 28 दिन था वो ख़त्म हो गया है, और देखते हैं कि आगे क्या परफॉर्मेंस रही है। वो मैं पूरी चीज़ डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फरवरी मंथ का ये पूरा एक फाइल बनाया हुआ है, और इस महीने में जो है, मतलब जो महीना बीत गया उसमें 5 ट्रेड्स रिलीज हुए थे। पहला था 9th फेब, उसके बाद 15th, उसके बाद 19th, फिर 25th, फिर 28th। ठीक है, तो अलग अलग जो भी डेट पे कॉल्स रिलीज हुए थे उस डेट को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। स्क्रीनशॉट सारे लिए हैं व्हाट्सएप से, तो अब आपको दिखाता हूँ कि कौन से दिन क्या ट्रेड रिलीज हुआ था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। ओके, ऑल राइट। तो स्क्रीनशॉट से शुरू करते हैं 9th फेब को, कि मेरा 9th फेब को क्या परफॉर्मेंस आया था। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है साफ साफ 9th फेब यहाँ पे लिखा हुआ है, और हेलो एवरीवन, इस वांट्स टू स्टे अलर्ट टुडे, वी मे टेक अ पोजीशन इन क्रूड ऑयल मिनी फेब, रिप्लाई मी इफ यू गॉट दिस अपडेट। एंड उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि स्टे अलर्ट बिटवीन 10:35 टू 11 AM। मतलब मैं ये कहता हूँ, जब भी हमें कन्फर्मेशन मिलने वाला होता है तो एक फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे के बीच में कन्फर्मेशन मिलेगा, तो मैं लोगों को बता देता हूँ कि भाई इतने बजे अलर्ट रहना। ठीक है, फिर तो उसके बाद मैंने लिखा है क्रूड ऑयल मिनी फेब कॉन्ट्रैक्ट रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग। मतलब करने से पहले कुछ भी एक बार पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेडर है वो यहाँ पे सेल देखेगा बड़े बड़े अक्षर में तो डायरेक्ट सेल कर देते हैं बिना पढ़े कि टारगेट क्या है, सेल क्या है, कितने लॉट लेने। तो मैं चाहता हूँ लोग पहले अच्छे से पढ़ लें। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है सेल क्रूड ऑयल नाउ एट वट एवर प्राइस यू आर गेटिंग। फिर टारगेट दिया था मैंने, SL दिया था, और नोट में ये भी लिखा था कि कितने लॉट करने हैं। तो मैंने जैसे कि हर बार कहता हूँ कि एक मिनी लॉट हम 5,000 के ऊपर करते हैं। फिर एग्जाम्पल भी दिया है, अगर 20,000 कैपिटल है तो 4 मिनी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सेल शीट में लिख लेते हैं। फर्स्ट डेट क्या है यहाँ पे, 9th फेब, कॉमोडिटी में हमने लिया है क्रूड ऑयल मिनी। ठीक है, और कैपिटल जो है हमेशा कैलकुलेशन 50,000 के ऊपर रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल की कॉल रिलीज हुई थी, 3835 का टारगेट था, 3960 का और SL था। तो मुझे याद है जब मैंने सेल किया था तो मेजोरिटी लोगों को और मुझे भी 3899 का रेट मिला था। ठीक है, ये हमने ट्रेड लिया था 3899 पे, हमने सेल कर दिया था, और 50,000 के ऊपर हम 10 लॉट्स काम करते हैं हमेशा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेड को हमने एग्जिट कब किया। ठीक है, अब देख सकते हैं 9th फेब को ही इवनिंग में 8:16 पे मैंने लिखा एग्जिट क्रूड ऑयल नाउ एट CMP, CMP इज 3871। ठीक है, 71 में हमने इसको एग्जिट कर दिया, इवन मुझे भी 71 का रेट मिला था। ठीक है, तो 3871 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने पॉइंट्स होते हैं, ज़रा ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में। ठीक है, 3899 माइनस 3871 बोले तो 28 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर 10 मिनी लॉट्स हमने काम किया तो 2800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें इस दिन। 9th फरवरी को हमने प्रॉफिट निकाला 2800 रुपये का। अब आगे बढ़ते हैं, 9th फेब का परफॉर्मेंस आपने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। ऑल राइट, उसके बाद आते हैं 15th फेब को। 15th फेब को क्या काम हुआ था वो हम स्क्रीनशॉट खोल के देख लेते हैं। तो अगर आप 15th फेब को यहाँ पे देखेंगे तो कॉपर मिनी था, कॉपर मिनी फेब कॉन्ट्रैक्ट रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग एज यूजुअल, और मैंने बड़े बड़े अक्षर में लिखा बाय 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 बाय, ताकि कोई बाय पढ़ेगा तो डायरेक्ट बाय ना कर ले, इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग। फिर बाय कॉपर मिनी फेब नाउ एट वट एवर प्राइस यू आर गेटिंग, राइट नाउ प्राइस इज 458.40, टारगेट मैंने दिया था, SL मैंने दिया था। ठीक है, ये था, और मैंने उस टाइम लिखा था क्योंकि मार्जिन बढ़ गया था तो 9300 पे हमने 1 मिनी लॉट काम किया था। ठीक है, तो अगर 20,000 रुपये किसी के पास थे तो उन्होंने 2 मिनी कॉपर किया होगा। तो ये जब ट्रेड आया था इस टाइम रेट क्या मिला था वो लिख लेते हैं। पहले डेट लिखते हैं, डेट क्या है, आई थिंक 15 था ना, हाँ 15th फेब को हमने ट्रेड लिया था दूसरा, 15th फेब कॉपर मिनी। ठीक है, और बाय आया था, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है यहाँ पे 458.40 का ही रेट मुझे भी मिला था। ठीक है, और इसको इसको हमने काटा कब, ठीक है बाय तो कर लिया,
रिप्लाई मी आफ्टर टेकिंग द ट्रेन, ये लिखा था मैंने। फिर उसके बाद 16 फेब आया, 15 फेब को हमने इसको होल्ड रखा, फिर 16 फेब्रवरी आया, 16 फेब्रवरी को मैं प्री MCX कॉमोडिटी ओपन रिपोर्ट देता हूँ। उसके बाद वी हैव कॉपर मिनी इन बाय पोजिशन, फिर मेंटेन द सेम SL एंड टारगेट, मार्केट खुलने के बाद SL टारगेट सेम लगाना होता है। फिर उसी दिन दोपहर के 1:51 पे, मतलब 1:50 के आसपास मैंने सौदा काट दिया। तो जब इसका स्क्वायर ऑफ किया था तो मुझे आज भी याद है रेट मिला था 461.85 का, हाई लगा था 462 का और मैंने एग्जिट किया 461.85 पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कितने लॉट्स लिए हमने, 5 मिनी लॉट्स लिए, राइट। तो कितने पॉइंट्स मिले हमें वो भी लिख लेते हैं फिर से कैलकुलेटर में। 461.85 - 458.4, ठीक है, तो हमें मिला है 3.45 पॉइंट्स इंटू 5 मिनी लॉट्स इंटू 250। तो हमें अरे यहाँ पहले रुपए में लिख लेते हैं 4312.5, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है और जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो मिले हैं 3.45, ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो 15 फेब का आपको दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। 15 के बाद आ जाते हैं 19 फेब पे। 19 फेब को मेरा ट्रेड आया था क्रूड ऑयल का, ठीक है, 19 फेब यहाँ पे है, स्टे अलर्ट फ्रॉम 10:25 AM to 11 AM, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ सुबह 10:30 के आसपास मेरा कन्फर्मेशन आ जाता है। तो सेम मैंने लिखा रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग, फिर बाय 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 यहाँ लिखा था बाय करो करके, और जब हमने बाय करा था तो प्राइस था 4033 का, टारगेट था 4110, SL था 3965। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या डेट है एक बार फिर से देख लेते हैं, 19 फेब, ऑल राइट, लिखते हैं 19 फेब क्रूड ऑयल मिनी लॉट्स एज यूजुअल 10, और हमने क्या किया है बाय किया है 4033 पे, और इसको हमने काटा कहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। होल्ड ऑन, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ है ना, देखो यहाँ पे हमने बाय किया था और अगला दिन देखो 19 फेब को हमने बाय किया था, फिर उस दिन हमने होल्ड रखा, फिर 19 के बाद 20 फेब आ गया, 20 तारीख को भी हमने होल्ड रखा था इसको, ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट हुआ था बट 20-25 रुपये ऊपर गया था, मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर 21 फेब आया, 21 फेब को इसने लो लगा दिया 3961 का, कॉपर मिनी ने 3961 का लो लगाया और 3965 का मेरा SL था। तो फाइनली मेरा इस दिन SL ट्रिगर हो गया था, और मेरा SL लेने के बाद तो आप जानते ही हैं कॉपर कम से कम 150-200 रुपये से भी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, बट कोई बात नहीं, SL हो गया तो हो गया। तो इस थर्ड वाले ट्रेड में जो है हमारा लॉस हुआ था, तो कितने का लॉस हुआ वो भी देख लेते हैं, -3965, 68 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम रुपया में देखेंगे तो हमारा 6800 का लॉस हुआ है, ठीक है, और सॉरी ये तो कैपिटल है, लॉस हुआ है 6800 का, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा क्या हुआ आगे, ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेड था 25 फेब को, 25 फेब को क्या ट्रेड आया था वो दिखा देते हैं, या हाँ ये था, यहाँ पे मैंने लिखा था आई रिपीट वी आर गोइंग टू ट्रेड इन कॉपर मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, हम उतर आए थे कॉपर मिनी के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट पे, हमने काम किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर मिनी अप्रैल एज यूजुअल रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग पहले पूरा पढ़ लें फिर कोई काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बाय करा था, बाय 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 कॉपर मिनी अप्रैल राइट नाउ एट व्हाटएवर प्राइस यू आर गेटिंग, तो टारगेट था 471, SL था 457, और सेम एक मिनी कॉपर करना था 9000 के ऊपर, और 30,000 अगर किसी के पास है तो वो 3 मिनी करेंगे, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 25 फेब कॉपर मिनी, ठीक है, हमने क्या किया था बाय किया था, अब बाय का रेट क्या मिला था वो मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे बाय का रेट मिला था 464.40, उसके बाद ये आई थिंक 35 और 40, 100% श्योर नहीं है लेकिन 35 मुझे लग रहा है, बट मैं 40 ही लिखूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है। ये रेट पे मुझे हमने बाय किया था, मेरे को बाय मिला था, इसका वीडियो बना है, थोड़ा 10-15 पैसे का मिस्टेक हो सके तो माइंड नहीं करना, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट रेट याद नहीं है ना मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो भी मैंने डाली हुई है आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसको बाय किया था, फिर इसको उसी दिन हमने एग्जिट कर लिया था, एग्जिट कॉपर राइट नाउ, ठीक है, शाम के 3:30 के आसपास टाइम हो रहा था, मैंने उसी दिन कॉपर जो है एग्जिट करवा दिया था। और मुझे याद है
जैसे हाई बनाया था इसने 466.80 का, और हमने एग्जिट किया था 466.75, 466.75 पे एग्जिट हुआ था, ठीक है। और कैपिटल तो आप जानती हैं 50,000 के ऊपर कैलकुलेशन होती है, और 5 भी नहीं करना है हमें। अब पॉइंट्स कितना मिला वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 466.75 - 464.40, तो 2.35 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, 2.35 पॉइंट्स, ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ, जाहिर सी बात है, तो 2.35 × 5 × 250, तो 2900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2937.5 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये था हमारा 25th फेब का ट्रेड। अब आगे बढ़ते हैं, 28th फेब का ट्रेड देख लेते हैं। ओहो, एक ही स्क्रीनशॉट है। अच्छा हाँ, इसमें एक ही स्क्रीनशॉट है, क्योंकि मैंने ज़्यादा अपडेट देने का मौका नहीं मिला था। ये कल का ही ट्रेड है, ठीक है, 28th फेब कल ही था। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले डेट क्या है, 28th फेब, और कॉपर मिनी ही था ये भी, देखते हैं क्या था। कॉपर मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, सेम केस, रीड प्रॉपरली बिफोर डूइंग एनीथिंग, और सेल 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 कॉपर राइट नाउ एट CMP वॉट एवर प्राइस यू आर गेटिंग, टारगेट SL 1 मिनी लॉट एट 9000 रुपी। तो जब कल हमने सेल किया था क्या रेट मिला था वो भी लिख लेते हैं। मुझे याद है 458.15, और जैसे कि आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि डायरेक्ट मैंने रात को 8:06 पे अपडेट दिया है एग्जिट कॉपर राइट नाउ का। तो जब हमने एग्जिट किया 456.55 का रेट मिला था, ठीक है, ये रेट मिला था, और लॉट तो आप जानते ही हैं, और 50,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। ये सब के परफॉर्मेंस के वीडियो अलग अलग पड़े हुए हैं, अगर आपको ध्यान और देखना है तो आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं फटाफट करे जा रहा हूँ, बिना एक्स्ट्रा बातें करें, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 1.6 पॉइंट्स का, तो 50,000 के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ होगा वो भी देख लेते हैं। 1.6 × 5 × 250, एक्जैक्ट 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो फाइनली ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम प्रॉफिट में रहे हुए हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर किसी के पास 50,000 रुपये रहता और वह हर प्रॉफिट के बाद कैपिटल निकालते जाता, तो उसको फाइनली 50,000 के ऊपर कितना पे आउट उसका निकलता, कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 2800 रुपये एक 2800 प्लस 4312.50 प्लस माइनस, उसके बाद लॉस हुआ है 6800 का, फिर प्रॉफिट हुआ है 2937.50 का, फिर प्रॉफिट हुआ है 2000 रुपये का। ओवरऑल हमारा लॉस वगैरह सब काट पीट के जो प्रॉफिट बचा है 5250 रुपये का प्रॉफिट बचा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो इस महीने जो मैंने प्रॉफिट दिया है लोगों को 50,000 के ऊपर, उनको हुआ है प्रॉफिट 5250 रुपये का। चलो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ब्रोकरेज भी तो कटेगी, जाहिर सी बात है ब्रोकरेज कटेगी, क्यों नहीं। तो ज़रा मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना ब्रोकरेज कटा होगा। 10 मिनी 20 मिनी का ब्रोकरेज जो होता है, मैं ज़ेरोधा में काम करता हूँ, तो ज़ेरोधा का ब्रोकरेज 180 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेगा। और 15 मिनी कॉपर ट्रेड हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ब्रोकरेज कटेगा मैं ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ, अराउंड 225 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना कट रहा, ओके 405 रुपये था हमारा ब्रोकरेज कटा है। अब और कम कर लेते हैं, 405 रुपये माइनस कर लेते हैं, -405 रुपया, फिर 4845 रुपये हमारा प्रॉफिट बचा है। अब लोग कहेंगे कि भाई मोहित जी ये क्या कर रहे हैं आप, तो बेईमानी कर रहे हैं आप, अपने चार्जेस भी तो लेते हैं 2000 रुपये, वो भी तो माइनस करिए। तो बेशक वो भी कर देते हैं, मोहित ने 2000 रुपये चार्ज लिया है, वो भी माइनस कर देते हैं। तो फाइनली काट पीट के 50,000 रुपये के ऊपर 2845 रुपये का प्रॉफिट बचा। तो ज़रा परसेंट में नाप लेते हैं, 2845/50,000 × 100, 5.69% का रिटर्न निकला है इस महीने में। देखो एक बात कहता हूँ, हम MCX कमोडिटी है, शेयर मार्केट का हिस्सा है, और इस महीने हर महीना प्रॉफिट में रहना, सारे खर्चे वगैरह काट पीट के अपने अकाउंट में लगभग 2800 रुपये का प्रॉफिट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेन बात क्या है कि इस मार्केट में मेजोरिटी लोग लॉस ही करते हैं। मैं हर बार ये डायलॉग कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि लोग ट्रेड करके एक महीने के अंदर एक रुपये भी प्रॉफिट ना करके अगर अपना कैपिटल भी बचा लेना, वो भी बहुत बड़ी प्रॉफिट है। 50,000 से अगर वो 49,000 ना होकर 50 का 50 ही रख ले, प्लस माइनस करके,
वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे चार्जेस देने के बाद, सब चीज़ करने के बाद भी पैसे बच रहे हैं, और इधर अपनी कैपिटल की ग्रोथ हो रही है। इवन अगर आप 5.5% की ग्रोथ दे रहे हैं 1 महीने में, अगर मैं सिर्फ 5.5% की भी x12 कर दूँ, ठीक है, तो भी महीने में 1 साल के अंदर 68% का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सिर्फ अभी दिख रहा है 6% का, मैं आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाने वाला हूँ। और मैंने ये भी चीज़ें कहा है कि मैं एक मंडे वाली टेक्निक लेके आ रहा हूँ, अभी कंफर्मेशन नहीं दूंगा, गारंटी नहीं दूंगा कि लेके ही आ रहा हूँ, उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। और बिलीव मी, वो बहुत अच्छा तरीका है ट्रेड करने का, और उसके कोई चार्जेस ही नहीं है। अच्छी बात ये है कि जो 2,000 रुपये में चार्ज लेता हूँ, उसी 2,000 रुपये में भी वो ट्रेड्स मिलेंगे आपको, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है, एटलीस्ट हमारी जो कैपिटल की ग्रोथ रहेगी पर मंथ में, वो 20% तक पहुंचने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफी लंबा बन चुका है परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं कमोडिटी मार्केट में, गारंटी इस चीज की दूंगा कि मैं आपका कैपिटल लॉस होने नहीं दूंगा, ठीक है। ये गारंटी, ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो हर महीने आपको 10,000 कमा के दूंगा ही दूंगा, या 5,000 कमा के दूंगा ही दूंगा, ये सब प्रॉमिस नहीं कर सकता मैं। प्रॉमिस इस चीज की है कि आपका कैपिटल लॉस होने नहीं दूंगा। आप मेरे पुराने सभी परफॉर्मेंस उठा के देख सकते हैं, हर महीने की मैं परफॉर्मेंस डालता हूँ कि मोहित ने काम कैसे कराया, और एक एक चीज मैंने कैलकुलेट की है यहाँ पे, मेरे चार्जेस, ब्रोकरेज, टैक्सेस जितने भी हैं काट पीट के, यही प्रॉफिट आपके सामने बचा हुआ है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि हम प्रॉफिट में रहे, हमारा कैपिटल बच गया, हमारा अकाउंट थोड़ा सा हो गया, एटलीस्ट प्लस में ज़रूर है, ठीक है। और आगे अब देखते जाइए मैं क्या क्या चेंजेस लेके आता हूँ, ठीक है। और बेशक काम करना है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और या दैट्स इट। और एनालिसिस सीखनी है तो वो भी आप सीख सकते हैं, मैं वो भी सिखाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, और पसंद आई हो तो लाइक करने से हिचकिचाइएगा मत, और ना ही पसंद आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए, लेकिन एक कमेंट में रीजन भी दे दीजिए ताकि उस चीज़ को मैं सुधार भी सकूँ फ्यूचर में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।